नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल स्काई। सावन का सोमवार भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। इस दौरान भक्त भगवान शिव को खुश रखने के लिए हर जतन करते हैं। सावन में भगवान शिव की हर पसंदीदा चीज को चढ़ाया जाता है, उन्हीं में से एक है धतूरे का फल। भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला कांटेदार फल धतूरा आमतौर पर जहरीला और जंगली फल माना जाता है और यही कारण है कि पूजन के अलावा इसका प्रयोग किसी भी काम में नहीं किया जाता। जहरीला होने की वजह से लोग इसे हाथ लगाने से भी डरते हैं, लेकिन धतूरे के इन फायदों को जानने के बाद ये फल आपकी पसंद बन जाएगा। आइए जानते हैं इसके क्या फायदे हो सकते हैं। धतूरे का प्रयोग गंजेपन को दूर करने के लिए फायदेमंद साबित होता है। इसके रस को सिर पर मलने से न केवल डैंड्रफ खत्म होते हैं बल्कि गंजेपन से भी छुटकारा मिलता है। दर्द से राहत पाने के लिए धतूरे के रस को तिल के तेल में मिलाकर गर्म कर लें और दर्द वाली जगह पर इस तेल की मालिश करें। नियमित रूप से धतूरे के रस और तिल के तेल की मालिश करने से जोड़ों की समस्या और गठिया जैसी समस्याओं से न केवल काफी हद तक निजात पाया जा सकता है बल्कि इस रोग को पूरी तरह से मिटाया भी जा सकता है। बुखार या कफ होने की स्थिति में लगभग 125 से 250 मिलीग्राम धतूरे के बीज लेकर इसे जलाकर राख बना लें और इस राख को मरीज को दें। इससे बुखार या कफ गायब हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बोल स्काई।